another from mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.2, and it is the fifth part. The statement of the question is 6x square minus 3 minus 7x is equal to 0. Just this equation ko apni standard form mein leke aana hai, yani yahan par sabse pehle to ise descending order mein likhna hai. Descending order ka ye matlab hai ki sabse left par aapke paas सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको x square नजर आ रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद फिर x आ गया. तो जस्ट इसको रीअरेंज कर लें या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 6x square. 6x square के साथ आपके पास आ जाएगा -7x -3 = 0. अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आप इस पर अप्लाई कर दें. क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास a जो है ये 6 आ जाएगा, b जो है ये -7 आ जाएगा, c = आपके पास -3 आ जाएगा. जस्ट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू x = -3 + -b² -4ac√2a. अब यहाँ पे x = -b जो है, देखिए ये माइनस फार्मूला वाला माइनस, और b की वैल्यू -7 है, जो कि आपके पास यहाँ पे -7 आ जाएगी. प्लस माइनस के रूट आपके पास आ गया b² यानी -7 का स्केयर -4 * a. a की वैल्यू जो है ये आपके पास 6 है, यानी यहाँ पे आपके पास चलिए इसे मैं दोबारा से ज़रा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ. इसके अंदर यहाँ पे ये आपका माइनस है, ये माइनस बिल्कुल इसी तरह से आ गया. ये आपके पास b है, b की वैल्यू जो है ये -7 है, ये -7 जो है ये यहाँ पे आ जाएगी. प्लस माइनस, इसके बाद ये प्लस माइनस है, यहाँ पे b² है, तो यहाँ पे ये वैल्यू -7 की, b की वैल्यू यानी -7 का स्केयर आ गई. अब यहाँ पे -4 * a जो है ये आपके पास, a जो है आपके पास 6 है, तो यहाँ पे ये 4 * a, और e आपके पास -3 है, तो ये c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -3 आ जाएगी. ओवर 2a है, तो 2 * a आपके पास 6 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये +7 आ जाएगा. प्लस माइनस, -7 का स्केयर यानी माइनस का स्केयर, माइनस का स्केयर का ये मतलब है माइनस के, कि ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, दैट इज इक्वल टू प्लस. और 7 का स्केयर का ये मतलब है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट इज इक्वल टू 49. ये आपके पास 49 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस आ जाएगा. 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 72. 72 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू 121 के रूट, यानी ये प्लस 7 प्लस माइनस 121 के रूट ओवर 12 आ जाएगा. अब अगर आप इसे 121 का स्केयर रूट ले सिंपल कैलकुलेटर से, तो दैट इज इक्वल टू 11. तो आपके पास फाइनल जो x है, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12. अब ये बेसिकली x जो है इसको आप एक दफा प्लस करके, यानी 7 को प्लस करके लिख दें, 7 में प्लस कर दें 11 को, और फिर 7 में से 11 को माइनस कर दें, यानी ये आपके पास बेसिकली x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 2, दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 2. यहाँ 11 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 18 ओवर 2, मैं गलती से यहाँ क्या कहूँ, दैट इज इक्वल टू 12. अब ये बेसिकली दोनों जो हैं ये 6 पर डिविजिबल है, तो ये यानी 6 पर जब 18 को 18 पर जब 6 को डिवाइड किया, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा. 12 को जब 6 पर डिवाइड किया, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 एक तो आ गया, दूसरा यहाँ पे 7 माइनस 11 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, यानी 11 के साथ जो है ये माइनस साइन है, तो और ये बड़ा है, तो ये आपके पास माइनस 4 ओवर
12 आ जाएगा, 4 और 12 आपस में कैंसिल आउट होंगे, यानी ये 4 पर ही डिविजिबल है, तो ये -1/3 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आएगा दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड एक्स इज इक्वल टू -1/3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी जगह आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।